सावधान शांत चित्त स्थिर शरीर कमर सीधी दोनों हाथ गोदी में आंखें बंद एकाग्र चित्त ध्यान मुद्रा भाव समाधि गायत्री मंत्र हमारे साथ मन ही मन ध्यान उगते हुए सूर्य का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रच
यशोदया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Oh.
समाप्त शांत, ध्यान की समाप्त शांत। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियो भाइयो, हम अपना सूक्ष्मीकरण कर रहे हैं। सूक्ष्म होने से गिलास में पानी भरा रहता है तो थोड़ी जगह में गिलास में रखा रहता है। जब उसकी हम स्टीम बना देते हैं, भाप बना देते हैं, तो एक गिलास इतना जबरदस्त बन जाता है कि वो एक प्रेशर कुकर को फाड़ के फेंक सकता है, छत को तो तोड़ के फेंक सकता है। इसी का नाम सूक्ष्मीकरण है। हम अपने आप को सूक्ष्म में बना रहे हैं ताकि लंबे चौड़े प्रदेश में काम कर सकें। अब तक हम शांतिकुंज में काम करते रहे, अब तक हम गाचित भूमि में काम करते रहे, अब तक हम अखंडोत कार्यालय में काम करते रहे, अब तक सीमित काम करते रहे। शरीर हमारा सीमाबद्ध है और सीमाबद्ध शरीर की वजह से जितना भी थोड़ा बहुत काम बन सका है, शरीर के बंधनों में बंधने के बाद में ज्यादा काम हम नहीं कर सकते थे और ज्यादा काम किया भी नहीं है। आप तो कह सकते हैं कि आपने काम देखा, ठीक है, आप अपने हिसाब से ज्यादा काम भी कह सकते हैं। दूसरे निकम्मे लोगों की बनस्पत हमने ज्यादा काम किया है। दूसरे लोग ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं, जिंदगी के कारण कोई कीमत समझते हैं, न कोई उसका मूल्य समझते हैं, न उससे कुछ फायदा उठाते हैं। उसकी तुलना में हमने, ठीक है, शरीर से भी ज्यादा काम किया, लेकिन अब शरीर से काम करने से काम चलने वाला नहीं। अब हमको सूक्ष्म बनना पड़ेगा क्योंकि हमारा दायरा बड़ा है। अब तक हमारा दायरा पहले बहुत कम था, 1.5 लाख के करीब अखंड ज्योति चलती है, थोड़े से लोग वो हैं और शास्त्री परिवार के लोग हैं और प्रज्ञा परिवार के लोग हैं, गायत्री शक्तिपीठों के लोग हैं, सब मिला करके 20-1 लाख आदमी हो जाते हैं। बस दुनिया में 20 लाख आदमी है, नहीं, दुनिया में 20 लाख आदमी नहीं है, दुनिया में रहने वाले आदमियों की तादाद 500 करोड़ है। और सब 500 करोड़ लोगों की समस्याएं बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं नहीं है। उसको कोई एक आदमी सही से जाना चाहे तो सारी पृथ्वी पर घूमना ही मुश्किल पड़ जाएगा उसके लिए, सारी भाषाओं को समझना ही मुश्किल पड़ जाएगा उसके लिए, सारी समस्याओं को सुनना और उनके समाधान निकालना ही मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए ये बात नहीं है। हवा जब किसी गुब्बारे में भरी होती है, जरा सी होती है, और गुब्बारे में से फैल करके फोड़ करके गुब्बारे को जब हम हवा निकाल देते हैं तो सारे के सारे जगह जगह फैल जाती है हवा। इस तरीके से हम अब फैलने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम इसलिए करना पड़ेगा कि ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई। किसकी समस्या हो गई? गायत्री परिवार वालों की? नहीं, गायत्री परिवार वालों की तो मुठ्ठी भर समस्याएं, मुठ्ठी भर समस्याएं हैं। तो अगर हमने आपसे नहीं भी बात करें, बोलचाल नहीं भी करें, तो भी हम आपकी बातों को सुन सकते हैं और आपकी जो सेवा करने की जरूरत है वो हम कर सकते हैं। माता जी भी आपकी बातों को सुनती रहती हैं और आप चिट्ठी भी लिखते रहते हैं उनको, कभी कभी मौका मिलता है तो उनके पास आप चले भी आते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं और आपकी जरूर सहायता करती होंगी, हमारा ऐसा विश्वास है। और इससे आगे भी हमारा विश्वास है ये कम बराबर ही चलता रहेगा। आपका शरीर नहीं रहा तो हाँ, दिखाई तो हमको भी पड़ता है कि सन 2000 तक शायद न होने को बढ़े, 75 साल होने को आए हैं, अभी इसमें 25 साल बाकी रह जाते हैं। 90 वर्ष की उम्र हो न हो कौन कह सकता है, लेकिन हम आपकी देखभाल बराबर रखेंगे। गायत्री परिवार वाले लोग हमारे बहुत प्राणों से प्यारे हैं, उनको हमने बहुत नजदीक से देखा है और आपकी बहुत बहुत कृपाएं हमारे ऊपर है। जो कहा है, जब कभी कहा है तभी आप उसको करने के लिए तैयार हो गई, शक्तिपीठ बनाने के लिए कहा आप बनाने को तैयार हो गई, जो जब आपसे ज्ञान रथ चलाने के लिए, प्रज्ञा पुस्तकालय चलाने के लिए कहा आप तैयार हो गए, जो 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 काम के लिए, अनुष्ठानों के लिए कहा आप तैयार हो गए, जब जब भी हमने कहा है आप लोग हमको बहुत प्यारे हैं क्योंकि आप हमारे पर कहने पर चलते हैं। अब इससे आगे की बात, जरा काम काम की बात कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। काम काम की बात तो थोड़ी सी है हमारे पास, ज्यादा कुछ है भी नहीं और ज्यादा कुछ आपसे बहुत बात करें, बहुत व्याख्यान में जिंदगी भर व्याख्यान दिए भी हैं और लेख भी लिखे हैं, लिखते भी रहते हैं, आप उनको पढ़ते भी रहते हैं, पढ़े भी हैं,
उन्हीं बातों को दोबारा दोबारा चौबारा कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। चलने वाला ये है आप और आपका और हमारा जो आपस का मिलना हुआ है, ये दोनों का मिलना कुछ ऐसा सार्थक हो जाए कि लोग बाग भी ध्यान रखते रहे कोई किसी आदमी से मिला था। क्या बार हमने कहा है उनको विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले, और मिले तो फिर ऐसे मिले जो कि धन्य हो गए, निहाल हो गए, फिर दोनों ही धन्य हो गए। गुरु शिष्य को पाकर के धन्य हो गया और शिष्य गुरु को पाकर के धन्य हो गया। समर्थ गुरु रामदास को पाकर के शिवाजी धन्य हो गए, और शिवाजी को पाकर के समर्थ गुरु रामदास धन्य हो गए। चाणक्य को पाकर के चंद्रगुप्त धन्य हो गए, और चंद्रगुप्त को पाकर के चाणक्य धन्य हो गए। तीनों ही गुरु शिष्य की परंपरा ऐसी है। गांधी को पाकर के विनोबा धन्य हो गए। गांधी नहीं मिलते विनोबा को तो विनोबा को कौन जान पाता बेचारों को, और गांधी अकेले ही बैठे रहते तो किसी संत बाबा जी की तरीके से झोंपड़ी डाल करके सेवाग्राम में बैठे रहते हैं, न उनको पटेल मिलते हैं, न उनको नेहरू मिलते हैं, न उनको कोई मिलता, न कोई मिलता। अकेले गांधी का क्या कहां से क्या कर सकते थे। दोनों को जो काम के आदमी मिले और ऐसे काम के आदमी मिले जिससे दोनों ही धन्य हो गए। हमारा वास्तविक था मन आज आपसे कहने के लिए और अपनी बातचीत शुरू करने के लिए, इसलिए मन आया कि आपको पाकर के हम निहाल हो जाएं और हमको पाकर के आप निहाल हो जाएं। नहीं, यूं नहीं कहना चाहिए मुझे, मुझे यूं कहना चाहिए कि हम तो निहाल हो गए। इसीलिए हो गए कि किसी आदमी का हमने पल्ला पकड़ा, जिस दिन से हमने होश संभाला है उस दिन से एक आदमी का हमने पल्ला पकड़ लिया और समर्पण कर दिया। भक्ति इसी का नाम, योगाभ्यास इसी का नाम है। द्वैत को मिटा करके दो को मिटा करके एक जो बन जाते हैं उसी का नाम योगाभ्यास है। स्त्री और पुरुष के बीच में यही योगाभ्यास होता है। स्त्री अपने आप को पति के समर्पित कर देती है और पति की संपत्ति की जायदाद की सबकी मालकिन हो जाती है उसी दिन से। ठीक इसी तरीके से हमने भी एक आदमी को समर्पण किया था जिसको हम बॉस कहते हैं, अपना मास्टर कहते हैं, अपना गुरु कहते हैं। हाँ, गुरु में चाला की ज्यादा आ गई है, इसीलिए गुरु शब्द का हम कम इस्तेमाल करते हैं, बॉस कहते रहते हैं। हमारे बॉस का पल्ला पकड़ा जिस दिन से, उस दिन से हम निहाल हो गए। आपने देखा है ना, आप अगले महीने की अप्रैल की अखंड ज्योति पढ़ना। हमारे जीवन में आपने हमारा केवल शरीर ही देखा होगा, दो चार काम देखे होंगे, व्याख्यान सुना होगा, लेकिन सारी जिंदगी भर में इतने शानदार काम हमने किए हैं वो किस तरीके से किए, इसमें हमारा अकेले का साहस, हमारा अकेले का पराक्रम और अकेले का हमारा शौर्य काफी नहीं है। हमारी अकेले की मेहनत से नहीं हुआ है, हमारी अकेले की अकल से नहीं हुआ है। मोती बनता है तो सीप में पैदा होता है बेशक, लेकिन सीप का पराक्रम नहीं है। स्वाति की बूंद जब तक उसमें न पड़े सीप में, तब तक आप ख्याल कर सकते हैं कैसे उसमें मोती बनेगा। सीप तो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, सीप से मोती नहीं बनते। स्वाति और सीप के सहयोग से मोती बन जाते हैं। हम मोती हो गए, हमने एक आदमी का ऐसा पल्ला पकड़ा। किस तरीके से पल्ला पकड़ा, पैर पकड़ा कि हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ी नहीं, न हमने गर्दन पकड़ी, न हाथ पकड़ा, न पांव पकड़ा, बल्कि करिष्य वचनम तव। श्री कृष्ण और अर्जुन जब तक तो थे दो, वो कहते थे कि आप लड़ाई लड़िए, वो मना करता था भीख मांग लेंगे, सब लड़ाई लड़ने से क्या फायदा। लेकिन जब उसने अर्जुन ने ये कहना शुरू किया करिष्य वचनम तव, आपकी आज्ञा को मैं करिष्य करूंगा, सुनूंगा नहीं, सुनने से क्या फायदा। सत्यनारायण की कथाएं सुनते सुनते आप बुढ़े हो गए, रामायण सुनते सुनते आप बुढ़े हो गए, भागवत सुनते सुनते आप बुढ़े हो गए। आपने कुछ फायदा उठा लिया क्या? ना, कभी नहीं फायदा उठाया होगा। आपने कितने सत्संग सुने होंगे, कितनी चीज बनी होंगी, उन सत्संगों से कुछ बात बनी है क्या? नहीं। हमारे भी सत्संग सुने होंगे, औरों के भी सुने होंगे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं बना है, और न लाभ होने की संभावना है। संभावना उसी तरह की है, करिष्य करेंगे, हमने किया है। क्या क्या मतलब यह है कि अपने शरीर से भी और मन से भी जो बात बताई गई उसको करने लगे, बस ये हुआ है। हमारा भी मन था कि आप भी इसी तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा हो, आपको भी मालूम पड़े कोई गुरुजी नाम का बाबा जी पंडित ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं था जैसे कि आमतौर से लोग होते हैं। हमने उससे संपर्क बनाया तो हमारे हमको कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में मिला, ऐसा हमारा मन था। इसलिए आज इच्छा न होते हुए भी आप लोगों से बातचीत करने की बातचीत करने का मन हो गया। बातचीत करने का मन हो गया तो फिर आपसे क्या क्या कहें।
बाकी बातें अखंडोत में बताई जा चुकी हैं, क्या चल रहे हैं, क्या कहें आपसे। बस एक ही बात कहनी थी कि जो आपने सुना हो, समझा हो, जिस रूप में हमें पाया हो, उसे आप कीजिए, अब आप कर डालिए। सुनने की बात मत ध्यान रखिए, पढ़ने की बात मत ध्यान रखिए, ये आंखें बड़ी निकम्मी हैं। इससे आप चाहे जो लेख पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, किसी कहानियां पढ़ सकते हैं, नावल पढ़ सकते हैं, और भी कुछ पढ़ सकते हैं। और कान ऐसे हैं जिसमें कि सिनेमा के रिकॉर्ड सुन सकते हैं, गाने बजाने सुन सकते हैं, सब बात सुन सकते हैं। कानों से और आंखों से आदमी का उद्धार नहीं हुआ है, आदमी का उद्धार हृदय से हुआ है। हृदय के अंदर जब किसी की बात समा जाती है और ये बात समा जाती है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, बस बात खत्म हो गई। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ कीजिए। किसके लिए? हमारे लिए। हाँ चलिए, हमारे लिए मान लीजिए, चाहे अपने लिए मान लीजिए, बात एक ही है। हमारा आप दो है क्या? नहीं, हमारा आप दो नहीं है, एक है। तो आपके लिए कुछ करें? नहीं भाई साहब, मत कीजिए हमारे लिए। हमारी जरूरतें क्या, कितनी है? इंसान की आवश्यकताएं क्या है? मुट्ठी भर का पेट, 3 मुट्ठी चावलों की खिचड़ी से हमारा गुजारा हो जाता है। आपसे क्या कहेंगे? आप हमारे लिए ये कर दीजिए। 3 गज कपड़े से शरीर को ढक करके अपना काम चला लेते हैं। आपको अपने लिए हम क्या कहेंगे? हमको उसके लिए कहना है आपसे, जिससे कि आपका भी कल्याण होता हो और आपको भी संतोष होता हो और हमारा भी कल्याण होता हो और हमारा भी संतोष होता हो। वो बात हमसे कहनी है। क्या कहनी है? आप करना शुरू कर दीजिए बस। जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने पढ़ा है, अब उसको पढ़ने और सुनने से काम चलने वाला है नहीं। अब आप करना शुरू कर दीजिए। करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? अब हमको यही लाभ हो जाएगा, जैसे कि हम प्रसन्न हैं और हमसे भी ज्यादा हमारा बॉस प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न होंगे और आपसे भी ज्यादा हम प्रसन्न होंगे। कब? तब जब कि आप करने की बात शुरू करेंगे। तब कीजिए ना कुछ। क्या करें? आप एक काम कीजिए सिर्फ, और कुछ मत कीजिए, कि अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए ताकि हम आपकी कोई बड़ी सेवा कर सकें। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्यों रुके हो? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्यों प्रगति पथ में तुम्हारे हो रहा उत्पन्न भय? तुम बिना ही चाहते हो क्या सफलता पर विजय? क्यों प्रगति पथ में तुम्हारे हो रहा उत्पन्न भय? श्रम बिना ही चाहते हो क्या सफलता पर विजय? सोचते हो क्या दिन क्षण ही तुम्हारे पास है? हाथ में आया हुआ क्यों खो रहे हो अब समय? सोचते हो क्या दिन क्षण ही तुम्हारे पास है? हाथ में चलो निर्द्वंद कोरी कल्पनाएं मत गढ़ो। बढ़ चलो निर्द्वंद कोरी कल्पनाएं मत गढ़ो। क्यों रुके हो? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्यों रुके हो? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। कुछ नहीं बिगड़ा अभी, सब कुछ तुम्हारे साथ है। भाग्य
के निर्माण का अवसर तुम्हारे हाथ है। कुछ नहीं बिगड़ा अभी, सब कुछ तुम्हारे साथ है। भाग्य के निर्माण का अवसर तुम्हारे हाथ है। मुश्किलों को हरा कर जो बढ़ गए निज लक्ष्य तक, विजयी वही है विश्व में ऊंचा उसी का मात है। मुश्किलों को हरा कर जो बढ़ गए निज लक्ष्य तक, विजयी वही है विश्व में ऊंचा उन्हीं का मात है। मत रहो आशत विजय अपनी बुझाओं से गढ़ो। मत रहो आशत विजय अपनी बुझाओं से गढ़ो। चारों के हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। चारों के हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। अपना अटल चोट क्या है आह क्या। आप दाएं जो पड़े अब राह में परवाह क्या। भेह हो अपना अटल चोट क्या है आह क्या। बीच में ही टूट जाए वह प्रबल उत्साह क्या। धार से जो हार जाए वह प्रबल मल्लाह क्या। बीच में ही टूट जाए वह प्रबल उत्साह क्या। धार से जो हार जाए वह प्रबल उत्साह क्या। नीचे गिरो मत हर घड़ी ऊंचे उठो ऊंचे चलो। नीचे गिरो मत हर घड़ी ऊंचे उठो ऊंचे चलो। चारों के हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। चारों के हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। लौटा है न कोई साधना के द्वार से। सब समय सब कुछ मिला सब कोई सी भंडार से। रिक्त लौटा है न कोई साधना के द्वार से। सब समय सब कुछ मिला सब कोई सी भंडार से। राज्य सारी सिद्धियों का है सुरक्षित सर्वदा। फिर तुम्ही वंचित रहो क्यों दिव्य निज अधिकार से। हम राज्य सारी सिद्धियों का है सुरक्षित सर्वदा। फिर तुम्ही वंचित रहो क्यों दिव्य निज अधिकार से। छोड़ो अतीत भविष्य का इतिहास अब आगे बढ़ो।
छोड़ो अतीत भविष्य का इतिहास अब आगे बढ़ो। क्यों रुके हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्यों रुके हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्यों रुके हो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंगवियों से अपेक्षा। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे निष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशाल काय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बताया लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है और इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली कलम उंगलियां रहे न रहे, कागज कलम चुक जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं। रक्त का प्रत्येक कण, प्रत्येक मस्तिष्क का प्रत्येक कण उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न कुछ देखी जा सकती है उन्हें दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है, इसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिन हमारे कलेवर के अंगवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब मेहती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने, पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तव्य में कोई भी अपना अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात का स्मरण रखें, जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म स्वभाव में कहीं कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र और दूसरों को बड़ा माने, स्वयंसेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, बस इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका, यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दुनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने कृतकृत्य अनुभव करें। हम फूले न समाये, प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम लक्ष्य पंचायतन में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही, आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया, अनुशासन में व्यतिरिक्त तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी, देखना इतना भर है कि अग्नि परीक्षा की वेला में
आपका शरीर मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यही की आशा, अपेक्षा, विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हमारा परिपूर्ण विश्वास, हमारा परिपूर्ण विश्वास। शांति अंतरिक्ष गुरु, शांति पृथ्वी, शांति आप, शांति औषधय, शांति वनस्पत, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति 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 सावा, शांति निधि, ओम शांति शांति। आज इस पूर्ण पर्व पर गुरु जी की ओर से, मेरी ओर से आपको हार्दिक
शुभकामनाएं और आशीर्वाद भगवान करे आपकी कोई कठिनाइयां हो, कोई परेशानियां हो, आपकी हल हो। ये मत समझना कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी है, विद्वान है, हमारी सांस में घुले हुए हैं ना, हमारे अंतःकरण में है ना, हम जब चाहें देख ले कितनी दूरी है, थोड़ी सी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल समीप है और समीप ही वो रहेंगे। हमको है कि हम उनके समीप कैसे पहुंच सकते हैं, समीपता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, उनमें हम कैसे लय हो सकते हैं। लय का अर्थ मैंने समझा, वो एक समझे, एक लय का अर्थ तो ये होता है कि सूक्ष्म में सूक्ष्म मिल जाए, वो भी है, उसके लिए भी मैं प्रयत्नशील हूँ। पर एक दूसरा है लय होने का कि हमको हर क्षण याद रहे और उनके निर्देशों का पालन करते रहे, तो उन्हीं में ही लय है। जो हमको जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनको हम वहन करते हुए चले जाएं। इतने सवल कंधे मजबूत करते रहें, हाँ वो शक्ति मिलती रहेगी, हमको मिलती रहेगी, आपको वो शक्ति मिलती रहेगी कि आप हर कष्ट कठिनाइयों में उनको आप समीप पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। भगवान करे आपका कल्याण हो। न त्वं कामये राज्यम् न सौख्यम् न पुनर्भवम् कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आत्मनाशनम्। ओम शांति।